प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयु पैक नेम लिखना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग चार प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीख लिए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सीखे थे कि जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई देता था, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता था तो दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता था, उसका नाम हम लोग देखे थे। उससे हमेशा जेईई और नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उस पर कमांड आप कर लीजिएगा। नाम लिखने में कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं होता है, लिगेंड का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सही सही निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पांचवें टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीखें। छोटू, यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जल के अणु दिखाई दे, 2H2O, 3H2O, H2O हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल के अणुओं के लिए हम लोग हाइड्रेट वर्ड का प्रयोग करते हैं। जल के अणु एक हो तो मोनोहाइड्रेट लगाएंगे, दो हो तो डाइहाइड्रेट लगाएंगे, तीन हो तो क्रमशः ट्राइहाइड्रेट लगाएंगे। कुछ राइटर हाइड्रेट के जगह पर वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर भी यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग ये दो कंपाउंड का नाम लिखना सीख लें। देखिए, नाम लिखने का तरीका बिल्कुल वही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम निकाल लेते हैं, जल का जीरो, सल्फेट का -2, यहां जल का जीरो तो कॉपर का है +2 निकल गया, ठीक है। अब देखो कॉपर का +2 निकल गया, अब देख रहे हो छोटू, और देख रहे हो ये पार्ट हो रहा है पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो कंफर्म है कि धातु के नाम में इट नहीं लगेगा, ये क्लियर कंफर्म कर लेना है आपको। अब देखो नाम हम कैसे लिख रहे हैं, यहां हमारा लिगेंड है एक्वा और चार है, तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, टेटरा एक्वा कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट दो, और यहां लिगेंड के तौर पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सल्फेट है, SULPHAT सल्फेट, और जल के मॉलिक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं, एक, तो इसके लिए हम लोग यूज कर देंगे मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। कुछ राइटरों का मानना है कि इसका नाम ऐसे लिखा जाए, या करके मैं यहां लिख देता हूं बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा जगह यहां नहीं है, टेटरा एक्वा होगा ही, कॉपर टू होगा ही, सल्फेट होगा ही, इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं वन वाटर, बात क्लियर है। लेकिन दोनों नामों में ऊपर वाला नाम ज्यादा प्रचलित है। इसी प्रकार इसका नाम देख लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन से जल का जीरो, इसका -2 एक -3 और इसका जीरो -3 इधर भेज देंगे, क्रोमियम का +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ओरली कैलकुलेट करो। यह हमारा एक्वा है, यह क्लोराइडो है, तो इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले हम लोग एक्वा का नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा बेटा, टेटरा एक्वा डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो लिखो या डाइक्लोरो लिखो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्रोमियम 3, काउंटर आयन के तौर पे यहां है क्लोराइड, यह क्लोराइड ही लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। लेकिन यही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले जाता तो क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोराइडो। जल के अणु यहां दो दिखाई दे रहे हैं, तो लिखाएगा डाई हाइड्रेट। छोटू, या इसी का नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह टोटल सेम क्लोराइड सेम, यहां लिख देंगे टू वाटर। तो आप समझ चुके होंगे, इसे नोट करें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में 2018 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल बनाने की तरीका वही होगा, लेकिन इसमें कभी कभी ऑप्शन बदल देता है, तो उसको कैसे हम सही मानेंगे इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई कॉम्प्लेक्स एसिड हो, हम कैसे पहचानेंगे एसिड है, तो काउंटर आयन के रूप में हाइड्रोजन दिखाई दे, जब ही इसको पानी में घोलेंगे यह वियोजित होकर H+ देगा। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स एसिड हो अर्थात वह वियोजित होकर H+ दे, तो तरीका है कि धातु के नाम में सेंट्रल एटम के नाम में एक एसिड को जोड़ दिया जाता है। देखिए इसका नाम हम लोग कैसे देते हैं, देखिए पहले वियोजित कैसे होगा, यदि इसको हम पानी में डाल दें छोटू, देखो यह वियोजित हो जाएगा, यह पार्ट पॉजिटिव तो यह पार्ट निगेटिव, आपको क्लियर है, यह चार H+ दे रहा है अर्थात यह अम्ल है, और यहां देखो यह क्या देगा, PtCN का होल 6,
यहाँ क्या होता है बेटा, चार पॉजिटिव तो यहाँ चार निगेटिव, एच प्लस दे रहा अर्थात एसिड। तो इसका नाम हम दो तरीका से लिखेंगे, पहला ये तरीका और एक पहला तरीका सीखे थे वो। पहला तरीका से पहले हम नाम लिख रहे हैं, देखो ये पार्ट पॉजिटिव तो ये पार्ट निगेटिव, बात क्लियर है, अर्थात इसमें एट लगेगा तो इसका नाम होगा हाइड्रो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, छह एकम माइनस छह में से चार गया दो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का दो आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा छोटू पहले हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन काउंटर आयन का नाम पहले लिख देते हैं उसके बाद लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो लिखो या हेक्सा साइनो लिखो तुम्हारी मर्जी, हेक्सा साइनाइडो प्लेटिनेट प्लेटिनेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को दो लिख देंगे। ये तरीका पहला है, यदि इसका नाम ये दिया हो तो बिल्कुल यही सही होगा। दूसरा तरीका जो ये रूल कहता है, अब ये रूल कहता है कि धातु के नाम में इक एसिड को जोड़ना है, जो ही इक एसिड जोड़ देंगे अर्थात वह कंपाउंड एसिड हो गया, जब इक एसिड जोड़ेंगे तो इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, इसका नाम ऐसे हो सकता है छोटू याद रखेगा हेक्सासायनो या हेक्सासाया हेक्सासायनाइडो, और इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनिक और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाता है दो और यहां जोड़ देंगे एसिड प्लेटिनिक एसिड। इस तरह से हम यदि नाम लिखेंगे तो उसमें काउंटर आयन का नाम नहीं लिखेंगे, यह एक एसिड से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसके काउंटर आयन के रूप में हाइड्रोजन है। तो यदि ऑप्शन में यह दिया हो तो ये तो सही होगा ही, नहीं दिया हो तो इसको भी सही माना जाएगा। एक कंपाउंड का हम नाम दे रहे हैं, इसका नाम आप दोनों मेथड से लिख के बताइएगा, H2PtCl6 इसका आयुपैक नेम लिखें, आयुपैक नेम लिखें, इसे नोट करें। हम ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम कैसे लिखा जाता है बता रहे हैं। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर हो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो तो उन यौगिकों का आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं। वैसे आइसोमेरिज्म में हम सब डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, लेकिन जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और इस घटना को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि किसी कंपाउंड से छोटू हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें और यदि वे प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे लेवो रोटेटरी, और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल एल हाइफन का प्रयोग करेंगे, और यदि वे प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा हो तो उसको कहेंगे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसके लिए हम लोग स्मॉल डी हाइफन का प्रयोग करेंगे या प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म है? अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, वैसा लाइट जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता हो उसको हम लोग पीपीएल कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। साधारण लाइट को जब निकोल प्रिज्म से हम लोग गुजार देते हैं तो हमारा पीपीएल का निर्माण होता है प्लेन पोलराइज लाइट। जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको अभी बताया है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को वे यौगिक जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं, उसके लिए स्मॉल एल या माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो राइट साइड रोटेट करता हो पीपीएल को उसके हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, इसके लिए एसडी हाइफन या प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो कोई पूछ दे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, कहना कि अणु सूत्र जिनका समान हो, ठीक है, जिनका सूत्र समान हो लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। आगे बहुत चीजों का अध्ययन करेंगे, रेसनिक मिक्सचर क्या है, डीएल फॉर्म क्या है, ठीक है, लेवो रोटेटरी कैसे पहचानेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैसे पहचानेंगे, तमाम चीजों का अध्ययन हम लोग आइसोमर में करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम लोग क्या सा चिन्ह यूज करेंगे, स्मॉल डी हाइफन या इसके लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे,
और यदि वह लेबो रोटेटरी हो, लेबो आर ओ रो टी ए टी वन लेबो रोटेटरी, तो उसके लिए स्मॉल एल हाइफन या माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। लेबो रोटेटरी का मतलब कि जो पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट करे, साइड रोटेट करे, ये पहले पहचानिएगा। फॉर्मूला ऐसे दे दिया हो, एक एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, कर दे कि इसका आप नाम लिखो, लिख दिया है डेक्स्ट्रो के थ्री आई आर सी टू ओ का होल फोर का यहां होल थ्री कर दो बेटा, ठीक है, कह रहा है कि अब इसका नाम लिखो। देखो डेक्स्ट्रो दे दिया, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है प्लेन क्लोराइड लाइट को राइट साइड रोटेट करा, पोलारीमीटर से देख लिया जाता है कि कैसे यह घुमा रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, तो नाम लिखने की तौर तरीका बिल्कुल वही होगा, केवल हम लोग क्या यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो है तो डी हाइफन या प्लस का प्रयोग करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सलेट का तीन दूनी के छह छह में से तीन ग्यारह इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो रहा है, देख रहे हैं। इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे पोटेशियम, का नाम हो जाएगा पोटेशियम, काउंटर आयन का नाम पहले हम लोग लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट है निगेटिव पार्ट है, क्लियर है, इसमें एट लगेगा। इसका नाम होगा ट्राई, अब देखो यह डेक्स्ट्रो है तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं डी हाइफन, अब यहां हम लगाएंगे क्या बेटा, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो इरिडिएट, इरिडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट तीन, इरिडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री, दैट इज आवर करेक्ट आंसर, या नहीं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो पोटेशियम है तो लिख देते हैं पोटेशियम स्मॉल लेटर से, यहां हम यूज कर देंगे प्लस साइन, यहां देखो क्या होगा, ट्राई ऑक्सलेटो ओ एक्स एल ए ट्राई ऑक्सलेटो इरिडिएट रोमन डिजिट में थ्री, डेट इज आवर करेक्ट आंसर। आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसका आयू पाइप नेम लिखना है, नेम लिखे ऐसे ही मैं दे रहा हूं, मैं कह दूं डेक्स्ट्रो या यहां डेक्स्ट्रो, यहां देते के थ्री सी आर ओ एक्स का होल थ्री, इसका नाम लिख लीजिएगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम नाम बता रहे हैं, यदि यहां लेबो वर्ड दिया होता तो यहां हम क्या करते, स्मॉल एल लगा देते या माइनस चिन्ह का हम लोग प्रयोग कर देते। इसे नोट करें, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं कि सीस कब लगाएंगे और ट्रांस कब यूज करेंगे, नोट करें, ध्यान दीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम हम कैसे लिखते हैं, कब सीस लगाएंगे कब ट्रांस लगाएंगे, ट्रांस का मतलब आप जानते हैं अपोजिट होता है, सीस का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। आज सीस और ट्रांस के जगह पर इजेड का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, तो इजेड कहां यूज करेंगे हम सब नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे, उसके लिए हम सीआईपी रूल भी बताएंगे आपको। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले यह यौगिक है बड़ा ही फेमस, इसका नाम आप जानते हैं, यही इसी को हम लोग इस फॉर्म में देता है तो हम लोग इसको कह देते हैं कि इसका कॉमन नेम यह सीस प्लाटीन है, कैंसर के इलाज में यह प्रयोग होता है। देखो इसके दो आइसोमर होते हैं, ध्यान दीजिए इसके कितने आइसोमर होते हैं बेटा, दो आइसोमर, इसके दो आइसोमर हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म में डिटेल देखेंगे। यदि इस तरह से स्ट्रक्चर दे दे इसका, ध्यान दीजिएगा छोटू, कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना के आपसे नाम पूछ दे, एक और यहां बता रहे हैं ध्यान दीजिए, ऐसे नाम दे तो आप आसानी से नाम जो होगा लिख देंगे, लेकिन यदि स्ट्रक्चर बना के नाम पूछे आपसे तो वहां आपको दिक्कत हो सकता है, आपसे पूछ दे कि इसका नाम बताइए तो घबराने की जरूरत नहीं, कब सीस लगाएंगे कब ट्रांस, कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं। यदि दो समान लिगेंड के बीच 180 डिग्री का कोण बने या 180 डिग्री के एंगल पैसे हो, एक इस साइड हो तो एक इस साइड में बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से, देखो यहां क्लोराइड है यहां क्लोराइड है बिल्कुल अपोजिट है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री पे यदि हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड क्या, ट्रांस। और यदि 90 डिग्री पे हो, यहां देखो
या 90 डिग्री पे सेम लिगेंड जुड़े हुए हैं या 90 डिग्री से कम पे हो, 90 डिग्री पे हो या 90 डिग्री से कम हो, टेक्निक याद रखना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सीस। क्या यूज करेंगे? सीस यूज करेंगे। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, आप आसानी से कह सकते हैं कि सर यह ट्रांस फॉर्म है, यह सीस फॉर्म है। तो नाम को लिखने का तौर तरीका वही होगा, केवल सीस ट्रांस जोड़ देना है। 180 डिग्री पर दोनों लिगेंड बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो हम यूज करेंगे बेटा कौन सी ट्रांस। इसका नाम लिख दो डाई एमाइन, डाई एमाइन, डाई क्लोरिडो प्लेटी प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह हमारा उत्तर हो गया। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं, इसका नाम होगा सीस, इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन, डाई एमाइन, जगह नहीं है यहां, डाई क्लो राइडो प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हम लिख सकते हैं, जगह नहीं, इसलिए हम इतना लाइन यूज किए हैं। बात आप समझ चुके हैं, सीस का भी यूज करेंगे, ट्रांस का भी यूज करेंगे। इसे नोट करें, हम आपको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं, अर्थात ब्रिजिंग लिगेंड उसमें आया हो, ठीक है, तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, वे कंपटीशन में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसे पहले नोट करें। बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में कभी कभी पूछे जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम एक से अधिक दिखाई दे, देखो यहाँ कोबाल्ट 2 दिखाई दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख लीजिए, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे नाम लिखते थे वैसे ही होगा, छोटा सा कंसेप्ट बदलेगा। देखो ब्रिजिंग लिगेंड कोई हो जुड़ा हो, देखो यही ब्रिजिंग लिगेंड है, यहाँ एमिडो है, यहाँ हाइड्रोक्सो है, इसको ब्रिज के तौर पर दोनों को जोड़ रहा है। ब्रिजिंग लिगेंड को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए म्यू प्रीफिक्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, म्यू प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है, तथा ब्रिजिंग लिगेंड जो हो उन्हें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। यदि यहाँ एमिडो है, यहाँ हाइड्रोक्सो है, तो पहले ये एमिडो लिखाएगा, बाद में हाइड्रोक्सो लिखाएगा। यदि ब्रिजिंग एक ही ब्रिजिंग लिगेंड 2 हो तो उसके लिए म्यू डाई, एक ही ब्रिजिंग लिगेंड 3 हो तो म्यू ट्राई का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, अब इसका हम नाम कैसे लिख रहे हैं, तो ब्रिजिंग लिगेंड को सूचित करने के लिए हम म्यू प्रीफिक्स का हमेशा प्रयोग करेंगे। देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको काम करना है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट तो ये निगेटिव पार्ट, ये कंफर्म हो गया कि कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं होगा। पहला बात तो सीख लेना है कि धातु के नाम में एट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, नहीं निकालना आता होगा तो पेपर पे कलम के द्वारा आप निकाल लीजिए, ओरली निकालना है। देखो कैसे इसका तो 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां समझते चलो, इसका 0 हो गया और इसका -1, इसका -1, इसका 0, इसका -2, इसका 0, इसका 0, -1, -1, -2, -2, -4, इधर भेजेंगे +4, तो 2 कोबाल्ट का +4, तो इसलिए 1 कोबाल्ट का +2, 1 कोबाल्ट का +2, ये प्रति परमाणु हम निकाल लेंगे, या नहीं तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट साइड में आप निकाल सकते हैं। यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, या कहीं जानकारी के लिए लिख लेंगे या मन में याद रख लें कि +2 निकला। निकाल के भी हम दिखा देते हैं दूसरे यौगिक में। अब नाम कैसे लिखेंगे, शुरू करो, सबसे पहले नाम हम लोग काउंटर आयन का लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट का लिखते हैं, तो देखो पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट, अर्थात इसी का नाम लिखाएगा, इसका नाम बाद में लिखाएगा। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते ही पढ़ गया है, तो देखो यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, तो इतना शुरू करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, आगे से करेंगे, इसका नाम इतना नाम हम लोग लिख लेंगे, फर्स्ट बार में हम लोग नाम इतना लिखेंगे। देखो इसका नाम क्या होगा, 20-ethene-1-2-diamine, देखते चलो क्या नाम हो रहा है, 20-ethene-1-2-diamine, 20-ethene-1-2-diamine, ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, रुक जाएंगे। अब देखो इसके बाद हम ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब बताओ यह एमिडो है या हाइड्रोऑक्सो है, तो किसको पहले लिखें, एमिडो को, तो सेकंड नाम हम इसको लिखेंगे। देखो पहले आगे से करना है, उसके बाद ऊपर से करना है, चाहे नीचे से करना है, यह निर्भर करेगा कि अल्फाबेटिकल कौन सुपेरियर है।
सेकंड में इसका हम नाम लिखेंगे। देखो तो ये क्या है, म्यू एमाइडो। ब्रिजिंग लिगेंड को हम किससे सूचित करेंगे, म्यू से, तो यहां लिखेंगे म्यू। अब यहां क्या जोड़ देंगे बेटा, म्यू एमिडो, म्यू एमिडो। फिर यहां क्या दिखाई दे रहा, थर्ड नाम ये होगा, इसका थर्ड नाम होगा, ये थर्ड नाम होगा। थर्ड स्टेप में हम इसका नाम लिखेंगे म्यू हाइड्रो ऑक्सो, म्यू हाइड्रो ऑक्सो, म्यू हाइड्रो ऑक्सो, इतना काम। फिर अब उलट देना है, अब इसका नाम लिखेंगे फोर्थ में, ठीक है। पहला आगे से करना है, उसके बाद ऊपर से करना है या नीचे से करना है, उसके बाद उलट के करना है, क्लियर कंसेप्ट। देखो यह हाइड्रो ऑक्सो हो गया, अब इसका नाम पुनः लिख देंगे, यहां जगह नहीं है, पुनः लिख देते हैं बीस इथेन वन कामा टू डाई एमीन वन, इसका नाम कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेप टू। काउंटर आयन को स्पेस देकर लिख देंगे सल्फेट, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। इसको छोटा करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसके आप चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा होगा। इसको समझ चुके हैं, एक और बता रहे हैं, इसे नोट करें। चलिए एक उसी टाइप का एक और कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए, पॉजिटिव पार्ट ये निगेटिव पार्ट, यहां कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट होगा, क्लियर हो गया। अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटरमाइन कर लेंगे, यहां इसका जीरो, यहां इसका जीरो, माइनस एक माइनस एक माइनस दो, इसका माइनस चार माइनस छह, तो एक कोबाल्ट का तीन नहीं आता है, तो निकाल लेंगे। कैसे हम निकाल रहे हैं, यहां देख लो छोटू, यहां देखो चार एन एच थ्री है, तो इसका चार इंटू जीरो प्लस कोबाल्ट है यहां दो, तो टू सीओ हम ले लेते हैं, प्लस यहां एनएच टू का हम लोग माइनस एक ले लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप है या नाइट्राइट आयन है, तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस एक ले लेते हैं, इस एमाइन का हम जीरो ले लेते हैं, चार इंटू जीरो ले लेते हैं बेटा, या इसको ऐसे लिख देते हैं। और यहां देखो नाइट्राइट आयन है, तो इसका पर होता है माइनस एक चार, तो चार इंटू माइनस एक इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां टू कोबाल्ट है, इज इक्वल टू टू कोबाल्ट माइनस एक माइनस दो माइनस चार, यहां माइनस छह इज इक्वल टू जीरो, इसलिए कोबाल्ट इज इक्वल टू प्लस सिक्स बाई टू इज इक्वल टू एक कोबाल्ट का यहां प्लस थ्री आ रहा है। इतना काम आपको ओरली कर लेना है, बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए क्या तरीका बताए हैं आरिफ सर, कि ब्रिजिंग लिगेंड के देखना है कि जो अल्फाबेटिकल सुपेरियर हो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो पहले कहां से शुरू करोगे, आगे से, पहले इतना नाम हम लोग लिखेंगे फर्स्ट बार, फिर बता रहे हैं कि इतना नाम पहला इसको हम लोग लिखेंगे, या क्या है टेटरामाइन, क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल लेटर से ही हमेशा शुरू करेंगे, टेटरा टेटरा एमाइन, टेटरा एमाइन कोबाल्ट थ्री, कोबाल्ट थ्री आगे से कर लिया। अब देखो ऊपर से करोगे कि नीचे से, या एमिडो है या नाइट्रो है, तो अब इसका नाम होगा हम लोग देखेंगे सेकंड में, इसका नाम लिखेंगे म्यू, यहां लिखेंगे म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, म्यू, उसके बाद इसका हम नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखेंगे, देखो थर्ड स्टेप में इसका नाम लिखेंगे, थर्ड में बढ़िया लिख देते हैं, थर्ड स्टेप देखो म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो, या आप इसी को लिख सकते हो म्यू नाइट्राइटो एन, क्लियर है म्यू नाइट्रो। अब नाम हम लिखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, पहले आगे से फिर ऊपर से या नीचे से, उसके बाद उलट के। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टेटरामाइन, टेटरा एमाइन कोबाल्ट, सी ओ बी एल टी कोबाल्ट, रोमन डिजिट में हम लिख देंगे यहीं पे नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट टी, थोड़ा सा गैप देके इसका नाम होता है नाइट्रेट। अब ये चार लिखने की जरूरत नहीं कि चार नाइट्रेट, ये चार लेके चले हैं तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तीन आया है। कंफर्म है एनओ थ्री को हम लोग नाइट्रेट कहते हैं, लेकिन यही इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता तो इसको लिखते हैं नाइट्रेटो। बात क्लियर है, राइट डाउन प्लीज। एक और देख लीजिए ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। यहां दोनों हम ब्रिजिंग लिगेंड सिमिलर लिए हैं। सबसे पहला बात, ये पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट, आयरन ही लिखाएगा, फेरेट नहीं लिखाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसका जीरो, इसका माइनस एक माइनस एक, जीरो इसका माइनस टू, माइनस एक माइनस एक माइनस दो, अब माइनस चार माइनस छह, तो एक लोहा का प्लस थ्री आप ओरली निकाल सकते हो। तो लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना हो रहा है बेटा, थ्री हो रहा है।
तो आरिफ सर क्या बताया है तरीका, पहले आगे से नाम शुरू करना है, आगे से लिखो, पहले नाम लिखाएगा इतना, पहले हम लोग किसका नाम लिखे इतना का, आपको समझने के लिए हम एरो मार्क मार रहे हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा, टेटरा एक्वा, टेटरा एक्वा आयरन थ्री, क्लियर है। अब हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखते हैं, यह हाइड्रो ऑक्सो है, यह हाइड्रो ऑक्सो है, दोनों सेम है, तो इसके लिए हम लगाएंगे म्यू। अब यहां लगा देंगे डाई हाइड्रो ऑक्सो, डाई हाइड्रो ऑक्सो, डाई हाइड्रो ऑक्सो। कुछ किताब क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, डाई म्यू डाई हाइड्रो ऑक्सो, तो लेंदी नहीं करना है, एक ही म्यू से काम चलेगा, म्यू ब्रिजिंग लिगेंड को सूचित करने के लिए म्यू, और दो क्या है डाई हाइड्रो ऑक्सो है। कुछ किताब जो है ओल्ड वैरायटी वाले यहां भी डाई लगाते हैं, डाई म्यू डाई हाइड्रो ऑक्सो, तो आपको एक जगह ही लगाना है म्यू डाई हाइड्रो ऑक्सो। ब्रिजिंग लिगेंड का नाम हम लिख दिए, अब इसको उलाट के लिख दो, इसका नाम उलाट के लिख दो, अर्थात अब इसका नाम लिखाएगा पुनः, अब क्या लिखाएगा टेटरा एक्वा, पुनः लिखाएगा टेटरा एक्वा आयरन थ्री। अब इसका नाम सल्फेट, सल्फेट नाम लिखा गया, डाई सल्फेट नहीं लिखाएगा, सल्फेटो नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये काउंटर आयन के तौर पे है, तो इसका जो नाम होगा वही नाम लिखेंगे। ये दो सल्फेट लेके चले हैं तभी यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तीन आया है, इसलिए काउंटर आयन के तौर पे कोई चीज कितना हो क्यों ना हो, उसकी संख्या कितना हो क्यों ना दिया हो, उसकी संख्या को इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको घर पे अभ्यास कीजिएगा, इसको छोटा भी किया जा सकता है, तो छोटा करने वाला स्टाइल पे मत जाइए, ऐसे कंपाउंड के नाम बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप अभ्यास कीजिएगा, नोट करें। इन दिए गए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखना है, देखिए क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, यहां पीएच का होल थ्री भी दे सकता है, तो इसका आप नाम लिख लीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, इतना यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई भी कंपाउंड आ जाए आप उसका नाम लिख दीजिएगा, मुझे उम्मीद है। तो घर पे अभ्यास कीजिएगा, मैक्सिमम सवाल को बनाइएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया हो तो उसका फॉर्मूला कैसे बना लिया जाता है ये सीखेंगे। धन्यवाद।